मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। बिग बॉस के घर में दो वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी हैं और अब एक और होने वाली है। मनीष एक हैकर जो बिग बॉस के घर में एंट्री कर सकता है। बिग बॉस 11 के घर में जल्द ही एक हैकर की एंट्री होगी। एथिकल हैकर मनीष भंगाले के पास कुछ दिन पहले बिग बॉस टीम से जुड़े कुछ लोगों का फोन आया था। मनीष वही शख्स है जिसने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के बीच की बातचीत के कनेक्शन का दावा किया था। इस खुलासे के बाद एकनाथ खड़से की कुर्सी चली गई थी। बाद में मनीष को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। मनीष की बिग बॉस में एंट्री वाइल्ड कार्ड के तौर पर हो सकती है। बिग बॉस में अपनी एंट्री का खुलासा करते हुए मनीष ने कहा है कि 5 दिन पहले मुझे बिग बॉस में एंट्री के लिए कॉल आया है। उन्होंने कहा कि वह मुझे इसके लिए कानूनी सहयोग प्रदान करेंगे। हालांकि मनीष की बिग बॉस में एंट्री कब होगी ये क्लियर नहीं है। डॉन दाऊद इब्राहिम का इंडिया में फैला साम्राज्य, उसके द्वारा किए जाने वाले क्राइम आदि की जानकारी जुटाने के लिए मनीष एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उनका आरोप था कि दाऊद के कराची स्थित घर से पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से को मोबाइल पर कॉल आया था। उनके पास जो कॉल डिटेल्स थी उनमें एकनाथ खड़से और दाऊद के बीच की कई बातचीतों का ब्यौरा भी था। मनीष भंगाले मूल रूप से जलगांव का रहने वाला है। बता दें कि जलगांव के मुक्ताई नगर विधानसभा सीट से एकनाथ खड़से भी चुनाव जीते हैं। मनीष ने 12वीं साइंस तक की है और उसके बाद आगे की पढ़ाई पुणे से पूरी की है। कुछ महीने से वो गुजरात के बड़ौदा में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनका दावा है कि 1994 से तकनीक में जो बदलाव हुआ है इसकी सारी बारीकियां वो जानता है। अब देखना ये होगा कि बिग बॉस के घर में आने के बाद ये क्या हैक करेगा। फिल्मी बीट में फिलहाल इतना ही।